आज हम लोग आपकी कक्षा नौ के अध्याय तीन में पदावली शीर्षक से कुछ पद हैं मीराबाई के जिनकी रचना मीराबाई जी ने की है आज हम लोग दूसरे पद की व्याख्या सीखते हैं बहुत ही सरल है सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं फिर इसकी व्याख्या करते हैं पायोजी पायोजी अर्थात पा लिया है मह तो मतलब मैं तो राम रतन राम नाम रूपी रत्न धन वही रहेगा पायो पा लिया है एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर पायो यहाँ भी आया है पायो यहाँ भी आया है तो व्याख्या करते समय हम इसका जो उपयोग है केवल एक बार करेंगे दो बार नहीं करेंगे ये ध्यान में रखिएगा वस्तु वही रहेगा अमोलक माने अनमोल जो बहुत कीमती हो अमोलक दी दी वही रहेगा दिया मेरे सतगुरु मेरे सच्चे गुरु ने कृपा कृपा कर करके अपनायो मतलब अपना लिया है या अंगीकार कर लिया है जन्म जन्म का मतलब है जन्म जन्म वही रहेगा की वही रहेगा पूंजी भी वही रहेगा पूंजी यानी संपत्ति पूंजी ही सही शब्द है हम लोग पूंजी ही कर, यूज करेंगे ठीक है पाई मतलब पा लिया है या पाया है जग में संसार में सभी वही रहेगा खोआो मतलब खो गई या खर्च हो गई खर्चे नहीं खर्च नहीं होगी या खत्म नहीं होगी कोई चोर न ले कोई चोर भी नहीं ले पाएगा या कोई चोर भी चुरा नहीं पाएगा दिन दिन दिनों दिन बढ़त बढ़ती जा रही है सवायो सवाई ठीक है सत की नाव सत्य की नाव खेवटिया माने खेने वाला अर्थात केवट सत गुरु माने सच्चे गुरु भव सागर माने संसार सागर तर आयो माने पार कर लिया है मीरा के प्रभु इसका वही अर्थ रहेगा बदलेगा नहीं गिरधर नागर माने श्री कृष्ण भगवान हरक हरक मतलब हर्षित होकर जस गायो माने यशगान करना सभी कठिन शब्द हो गए चलिए हम लोग व्याख्या करें इसके पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें तो देखिए यदि संदर्भ की बात करें तो जब मैंने पदावली का पहला पद्यांश पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको संदर्भ बताया है वही संदर्भ पूरी पदावली के लिए होगा तो आप पहले भाग से देख लीजिए प्रसंग बार, बार बार बदलता है तो चलिए प्रसंग लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने राम नाम रूपी अनमोल रत्न की विशेषता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में दो में से कोई एक ले लीजिए प्रस्तुत पद में मीरा बाई जी कहती हैं आ जाइए काव्य पर मीराबाई जी कहती हैं मैंने तो राम नाम नाम अपने जोड़े राम नाम रूपी अनमोल रत्न धन को प्राप्त कर लिया है प्राप्त कर लिया है मैंने आपको बताया था कि एक ही बार यूज करना है इस लाइन को एक बार फिर से देखिए शुरू से देखिए व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती हैं मैंने तो राम नाम रूपी अनमोल रत्न अनमोल रत्न धन को प्राप्त कर लिया है फिर अपने जोड़िए और यह राम नाम रूपी इतना आपने जोड़िए और यह राम नाम रूपी अनमोल वस्तु मेरे सच्चे गुरु ने कृपा करके मुझे दी है और मैंने फिर अपने जुड़े और मैंने उसे अपना लिया है या और मैंने इसे अपना लिया है कोई एक लिख लीजिए मैंने इसे अपना लिया है मैंने जो जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त की थी वह सभी पूंजी अपने जुड़ी वह सभी पूंजी इस संसार में खत्म हो गई इस संसार में खत्म हो गई फिर अपने जुड़े अब मैंने जो राम नाम रूपी अब मैंने जो राम नाम रूपी पूंजी को प्राप्त किया है इतना आपको अपने जुड़ना पड़ेगा अब मैंने राम नाम रूपी जो पूंजी को प्राप्त किया है वह कभी खर्च नहीं होगी और कोई चोर भी उसे नहीं चुरा पाएगा और वह दिनों दिन सवाई बढ़ती जा रही है मीराबाई कहती हैं मेरे सत्य के नाव के जो खेने वाले अर्थात केवट हैं वो मेरे सच्चे गुरु हैं और मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है मीराबाई कहती हैं मेरे प्रभु और अब केवल श्री कृष्ण भगवान हैं और मैं प्रसन्न होकर के उनका यशगान कर रही हूँ और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी